सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस देश के, या फिर यूं कहूं तो इंडियन रेलवे के सबसे बड़े परियोजना पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और आज इसी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम दिखाने वाला हूं। जिस जगह का मैं काम दिखा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर ये जो मालगाड़ी है डबल डेकर, ये जमीन के अंदर से होकर जाएगी और उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे ये जो परियोजना है, ये स्टार्ट होता है यूपी के दादरी से और ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। ये बना इसलिए जा रहा है क्योंकि दादरी जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो दादरी में जो कंटेनर पोर्ट है, जो केएनसीआर का वन ऑफ द बिगेस्ट है, उसको इस देश के वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट जो कि है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उससे कनेक्ट किया जा सके। और अगर इस देश को आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो आपको ऐसी परियोजनाएँ लानी पड़ेंगी जिससे कि जो लोग भविष्य में अपनी कंपनी खोलेंगे, तो उनको इस देश के कोने के साथ साथ दुनिया के कोने में सामान पहुंचाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसी वजह से ऐसी परियोजनाएं बनाई जा रही है। वैसे भी इस देश में लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है और हर कोई कहता है कि यार चलो कुछ अपना करते हैं। और अगर जब कुछ अपना करोगे तो उसके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई नो इंडियन कुछ करेंगे तो वो बड़ा ही करेंगे। और इसी वजह से ऐसा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है और उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा होने वाला है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वैसे ये जो परियोजना है, ये होने वाला है 1500 किलोमीटर लंबा। इसी एक्सप्रेसवे को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर जमीन के अंदर से होता हुआ ये जाएगा। ये होने वाला है 4 किलोमीटर लंबा, जो कि जमीन के अंदर से जाएगा और इस तरफ से आ रहा है। इधर एक इसका टनल भी है और उस सुरंग से निकलने के बाद, उस टनल से निकलने के बाद ये जमीन के अंदर हो जाएगा और फिर इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से होते हुआ ये आगे की तरफ चला जाएगा, रेवाड़ी की तरफ। और ये जो काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है दादरी रेवाड़ी सेक्शन पे। और इस हिस्से पे, ये जो सोना का पार्ट आप देख रहे हो ना, इस हिस्से पे अच्छा खासा काम किया जाना है। यहाँ पर वैसे देखोगे तो ये जो मशीन है, इसके जरिए इस जगह की मिट्टी निकाली जा रही है। वैसे यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे आप देख रहे हो, इसको तो डाइवर्ट किया गया है ताकि एक्सप्रेसवे का जो मेन अलाइनमेंट है उस जगह पर काम किया जा सके। मेन अलाइनमेंट पे अब जो है वो काम हो चुका है, बॉक्स वहां पर तैयार हो चुका है। अब तो वहां पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है बॉक्स के ऊपर, यानी कि बॉक्स के आसपास मिट्टी डाली जा रही है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर, और ये जो लेन है जिसको कि काट कर हटाया गया था, यानी कि एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है उसको अब जोड़ने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और उसको जोड़ने की तैयारी की जा रही है तो साथ ही साथ इस वाले हिस्से को काट कर हटा दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर टेम्परेरी बनाया गया था ताकि एक्सप्रेसवे बंद रहो, एक्सप्रेसवे चलता रहे और यहाँ पर काम भी चलता रहे, और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अब ये पूरी मिट्टी को यहाँ से निकाल कर आगे भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो बॉक्स बनाया गया है, यानी कि कंक्रीट का जो पार्ट बनाया गया है, उसके सामने अगर आप खड़े होंगे तो बहुत ही छोटे दिखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि यहाँ से डबल डेकर जो मालगाड़ी है वो जा सके, और उसी को ध्यान में रखकर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब तो ये बनकर तैयार हो चुका है, इसी वजह से इसके आसपास मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। फ्रेम भी इसके अंदर से हटाया जा रहा है ताकि इस फ्रेम को आगे सेटअप किया जा सके और फिर आगे जो स्ट्रक्चर बनाना है उसका काम किया जा सके। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो L&T की टीम है वो इसी काम को कर रही है। जी हाँ, इस हिस्से पे जो कंपनी काम कर रही है वो L&T है दोस्तों, और L&T की टीम द्वारा ही ये पूरा जो पार्ट है, यानी कि जमीन के अंदर जो ही बनाने का काम है वो किया जा रहा है। इनफैक्ट जो इस तरफ सुरंग बनाया गया है उसका काम भी L&T के द्वारा ही किया गया है। तो आगे यहाँ पर दिखेगा कि एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी है, तो जहाँ जहाँ पर रोड है ना, तो उस रोड को कनेक्ट करने के लिए कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाया है, यानी कि ब्रिज बनाया है, ताकि जो गांव वाले हैं उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में दिक्कत ना हो। तो इसी वजह से ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और इस तरफ ही जाओगे तो आगे आपको सुरंग मिल जाएगा और फिर वो जो अर्थवर्क का काम किया गया है, मिट्टी डालकर जो ऊंचा सा पूरा टीला बना दिया है, वो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर 3 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड पार्ट हो जाता है, यानी कि पिलर से ऊपर, और ये सारा कुछ इसी परियोजना के ऊपर बनाया जा रहा है। ये जो परियोजना बनकर तैयार होगी तो ये इस देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा तो जो मैन्युफैक्चर है उनको बहुत आसानी होगी सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजने में, सिर्फ देश में नहीं दुनिया के किसी भी कोने भेजने में, और फिर उनका रोजगार बढ़ेगा। उनका जब व्यापार बढ़ेगा तो फिर वो और भी लोगों को अपने व्यापार में शामिल कर सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं, और इन सभी से हमारा आपका भी फायदा होने वाला है, इस देश का भी फायदा होने वाला है। क्योंकि इस वक्त पे अगर आप
यूएस और चाइना को देखें तो ये दोनों सुपर पावर है, लेकिन ये दोनों सुपर पावर सिर्फ इन्हीं वजह से बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश का सामान इस दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचाया है। जी हाँ, और यही तो करना है हम इंडियंस को, ताकि इस देश को हम और आप आगे ले जा सके। और इसी वजह से जो सरकारें हैं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वो ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जिसकी मदद से आपको आसानी हो दुनिया के हर कोने में मेड इन इंडिया सामान को पहुंचाने में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।